हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्जाम को कैसे अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपको क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक बात कहूंगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। लार्ज बॉयलर्स शुड बी केप्ट इन चार्ज ऑफ ए सर्टिफाइड बॉयलर ऑपरेशनल इंजीनियर व्हाइल स्टीमिंग। This directorate is conducting this boiler operational engineers examination generally twice in a year and providing certificates to the successful candidates as per the set rule. Large capacity boiler को चलाने के लिए boiler operational engineers की जरूरत पड़ती है। बॉयलर डायरेक्टर्स ये एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। साल में एक बार बीओई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम में पास हुए कैंडिडेट्स को एज पर रूल अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। वेयर बॉयलर ऑपरेशनल इंजीनियर इज रिक्वायर्ड। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? द ओनर ऑफ ए सिंगल बॉयलर और टू और मोर बॉयलर्स कनेक्टेड इन ए बैटरी और मैनी सेपरेट इंडिविजुअल बॉयलर्स सिचुएटेड इन ए रेडियस ऑफ 15 मीटर्स हैविंग ए टोटल हीटिंग सरफेस एक्साइडिंग 1000 स्क्वायर मीटर shall not use the same or permit the same to be used unless the boiler or boilers are placed in direct charge of a certified boiler operational engineer as per the boiler operational engineers rules 2011. Single boiler ya two boilers और या बैटरी वाले बॉयलर्स, किसी भी टाइप का बॉयलर हो, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग चला सकता है। 1000 स्क्वायर मीटर हीटिंग सरफेस वाला कोई भी बॉयलर, बॉयलर इतने 1000 स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी तक कोई भी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर इन कैपेसिटी वाले बॉयलर तो बॉयलरों को चला सकता है एज पर रूल 2011 के मुताबिक चला सकता है। रूल्स 2011 के मुताबिक चला सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया है। बीओई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स रूल्स 2011। क्वालिफिकेशन, डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। डिग्री मीन्स बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स, डिग्री मीन्स बीटेक, बीटेक होल्डर्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कैपेसिटी के वाले बॉयलर के पास में। 15 स्क्वायर मीटर से ऊपर में रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप अगर 15 स्क्वायर मीटर के ऊपर वाले बॉयलर के पास में आप किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी
15 स्क्वायर मीटर वाले बॉयलर के ऊपर वाले 15 स्क्वायर मीटर से ऊपर में होना चाहिए हीटिंग सरफेस। फॉर डिग्री पीजी डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स किया है, ट्रेनिंग किया है, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। एज लिमिट नॉट लेस दैन 23 ईयर्स। एज BOI बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 23 से ज़्यादा होना चाहिए। फोटोग्राफ, एग्जाम को अप्लाई करने से पहले फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। फोटोग्राफ्स को आप 2 कॉपीज ऑफ रीजन सेल्फ असिस्टेड पासपोर्ट साइज 15 mm x 65 mm फोटोग्राफ साइनड ऑन द बैक साइड बाय द कैंडिडेट। फोटो के बीच में आपको कैंडिडेट आपको सिग्नेचर करना चाहिए एग्जाम को अप्लाई करने के टाइम में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मीन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आप जिस किसी वर्क कंपनी में कर रहे हैं वहाँ के HR से आप एम्प्लॉयर से ले सकते हैं एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फीस, इसके लिए फीस क्या रहेगी? RS 1500 बाई ऑनलाइन थ्रू रॉ GRIPS पोर्टल इन द इंस्पेक्शन हेड। ये फीस के लिए, तो जिस स्टेट में रहते हैं स्टेट के आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी फीस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग में आपको फीस जमा कराना है। बाकी सब सेम रहेगा, आपको क्वालिफिकेशन सब सेम रहेगा। ये फीस एक ही आपको जिस स्टेट्स के अकॉर्डिंग में वो जितना पूछेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स, 1 सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स के आप कॉपी बना के आपके पास भी एक कॉपी रखेंगे और उनको सबमिट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ बॉयलर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स। आप अदर स्टेट के हैं तो आपको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सपोज मान लीजिए महाराष्ट्र में BOI एग्जाम हो रहा है तो आप बिहार के हैं तो आपको बिहार के बॉयलर ऑफिस जाके यहाँ से NOC लेना होगा कि हमें BOI एग्जाम को अप्लाई करना है बोल के। आपको NOC अप्लाई करके आप NOC लगा के महाराष्ट्र के अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, हम इस चैनल के अंदर में बॉयलर अटेंडेंट ऑपरेटर एंड BOI बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग की एग्जाम की नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट में हो इस चैनल के अंदर में हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।